भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए बहुत कुछ, कांग्रेस के पास कुछ भी नहीं। 60 सालों में क्या किया कांग्रेस ने सबके सामने, भारतीय जनता पार्टी ने कम समय में इतिहास रचा, सबके पास जानकारी। अप्रत्यक्ष रूप से बजा चुनाव का बिगुल, प्रत्यक्ष रूप से बजने में अभी समय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार और संगठन को मजबूत करने में पिछले कई महीनों से जुटी, कामयाबी के करीब। उत्तर प्रदेश के एटा के विधायक विपिन कुमार डेविड पहुंचे जबेरा और 8 दिन के प्रवास में जीत का मंत्र फूंका। नमस्कार, मैं हूं हंसा वैष्णव और आप देख रहे हैं LNV टीवी न्यूज। चुनाव का बिगुल बज चुका है। पिछले एक वर्ष से भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने में लगी हुई है। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है वह काफी मजबूत माना जाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ऐसा संगठन है जो 365 दिन 24 घंटे चुनाव के मूड में रहता है और इसी उद्देश्य को लेकर वह लगातार मैदान में दिखलाई देता है। संगठन पर कसावट लाने के लिए और आम जनमानस के बीच में एहसास कराने के लिए, एहसान जताने के लिए नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी पहुंच रहे हैं। वह जीत का मंत्र फूंक रहे हैं। वह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कम समय में विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं, भेदभाव की राजनीति नहीं करते हैं, जबकि कांग्रेस भेदभाव की राजनीति करती है। अगर केंद्र सरकार की योजनाओं को ले लिया जाए तो आप देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना हो या उज्ज्वला योजना हो या फिर किसान सम्मान निधि की बात हो या अन्य योजनाएं जो केंद्र के द्वारा संचालित हो रही हैं, उसमें किसी भी प्रकार का वर्ग जाति का कहीं उल्लेख नहीं है। जो पात्र है उसको लाभ मिलना चाहिए, इस बात का उल्लेख किया गया है और यही कारण है कि सभी को लाभ दिलाया जा रहा है और सीधे सीधे खाते में राशि पहुंचाने का संकल्प है जो कि पूरा होता दिखलाई देता है। ये सब कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के एटा क्षेत्र के विधायक विपिन कुमार डेविड ने, जो कि प्रवास पर आए हुए थे। पिछले 8 दिनों से दमोह जिले के अंतर्गत आने वाले जबेरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर कार्य कर रहे थे, उसमें वहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं से संपर्क किया, उन्होंने पदाधिकारियों से संपर्क किया, उन्होंने आम जनमानस से भी संपर्क किया, हर जाति और वर्ग के प्रमुख लोगों से भी उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कुछ किया है वह किसी अन्य दल ने आज तक नहीं किया। तुलनात्मक उन्होंने बातें सामने रखी हैं, उन्होंने स्पष्ट रूप से आंकड़े सामने रखे हैं कि आप आंकड़े देखिए और बताइए कि क्या हमने जो किया है वह सही नहीं किया है और कितना विकास हुआ है। वो हजारों में बात करते हैं, हम लाखों में बात करते हैं। और जितना बजट 60 वर्ष में प्रयोग हुआ है उतना हमने कम समय में, यानी 10-15 वर्षों के अंदर ही हमने उतना बजट आम जनमानस के लिए, देश के विकास के लिए हमने खर्च किया है, रखा है। किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास और साथ में मध्य प्रदेश की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की भी जानकारी दी। उन्होंने जीत का मंत्र फूंका, बैठक ली, प्रवास किया, रात्रि विश्राम किया, ग्रामीण अंचलों में, आदिवासी अंचलों में भी पहुंचे, जंगल में भी थे, दूरस्थ ग्रामों में भी थे, शहरी क्षेत्र में भी थे। प्रवास करके उन्होंने लोगों को, आप जनमानस को एहसान नहीं एहसास कराया कि भारतीय जनता पार्टी आखिर क्या कर रही है। हमने उनसे चर्चा की है, विपिन कुमार डेविड जो कि एटा उत्तर प्रदेश के विधायक हैं। द
दमोह जिले के जहेरा विधानसभा में आपका प्रवास हुआ, 8 दिनों से आप ही हैं, किस प्रकार के रीति नीति कार्य हुआ? इस बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व मध्य प्रदेश के अंदर, इसके साथ साथ जहाँ जहाँ चुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी, हमारे उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार है, अन्य प्रदेशों से इस बार विधायकों को हर विधानसभा में भेजा। उसके पीछे सीधा सा भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जो काम कर रही हैं, हमारी योजनाओं का लाभ जो पहुँच रहा है, हमारा संगठन जो काम कर रहा है, इन सब चीज़ों को समझना है और व्यवस्थित तरीके से। एक विधायक जनप्रति होता है और अपने अपने स्टेटों के हिसाब से काम हम करते हैं, तो थोड़ा हमको यहाँ का कार्यशैली को भी समझने का अंतर मिलता है और जो हमारे कार्य हो रहा है उसको भी थोड़ा समझाने का अंतर मिलता है। और चूँकि जनप्रतिनिधि कई तरीके से चुनौतियों को फेस करता है, तो वो अनुभव इस दौरे में काम आता है और समस्या को समझने में, समाधान करने में, सामंजस्य बनाने में उसका योगदान रहता है, जिससे आगामी चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का यहाँ जो भी विधायक को टिकट मिलेगी वो विधायक बने, भारतीय जनता पार्टी हर विधानसभा जीते, इसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ कार्य करने आए। दावेदार भी आपके पास पहुँचे हैं, क्या मापदंड? देखिए, अभी दावेदारों का विषय के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का चयन प्रक्रिया अलग है, उसमें एक संगठन हमारा बूथ स्तर तक पहुँचा हुआ है, उसमें हमारे विभिन्न संगठन हैं, विभिन्न माध्यम हैं, वो उनकी बात अलग अलग माध्यमों से होती हुई वो प्रदेश तक पहुँचेगी, वो चयन प्रक्रिया की तरीका अपना अलग है। 8 दिनों तक आपने प्रवास किया, किस प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा और किस प्रकार आपने उनको मैनेज किया? देखिए, मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको बताना चाहता हूँ, मैं पूरे भ्रमण के दौरान संगठन के लोगों से भी मिला, बाजार में भी घूमा, हर वर्ग से भी मिला और हर तरीके के लोगों के साथ उठना बैठना भी रहा है, विभिन्न समाजों में भोजन रहा है, अलग अलग तरीके से। एक बात तो स्पष्ट रूप से निकल के आई है कि वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो काम किया है उसका एहसास सबको है। कहीं कोई स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक चूक या राजनीतिक चूक हो वो वैसे अलग रह गया, लेकिन इस बात में एक मत है कि मोदी जी का नेतृत्व देश के लिए है, अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्तियों के विकास के लिए है, उनकी योजनाओं को लोग महसूस भी कर रहे हैं। उसी तरीके से प्रदेश के अंदर प्रदेश सरकार की जो कार्यशैली रही है, पूर्व में 60 साल का जो कांग्रेस का शासन रहा है और वर्तमान में आप हमारा शासन जो भारतीय जनता पार्टी का 20 साल का शासन रहा है, जब तुलनात्मक अध्ययन लोग करते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि पहले सड़कें नहीं थी, पहले बिजली की व्यवस्था नहीं थी, पहले सिंचित एरिया नहीं था उतना, पहले प्रत्यक्ष आय नहीं थी, पहले बजट का जो वॉल्यूम है, आयाम है, वो इतना नहीं था, और पहले इस तरीके से हर व्यक्ति को अनुभव है कि पूर्व 60 साल में जो कांग्रेस ने यहाँ पर भ्रष्टाचार, विकास के साथ खिलवाड़, माफिया राज, नेतागर्दी में भ्रष्टाचार जो काम हुए और वही का परिणाम 20 साल का तुलना देखते हैं तो गुणात्मक परिणाम आता है, उसको पब्लिक यहाँ की महसूस कर रही है, उसकी अब चर्चा कर रही है। केवल हमारे कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराना है, जिससे वो बूथ से लेकर के हर जगह चौराहे पर इन बातों को और अवगत कराएं, तो वो डाटा बोलता है और डाटा हमारा हमारे फेवर में है और बोलना भी चाहिए। और तुलनात्मक अध्ययन में मैं आपको बता रहा हूँ, तुलनात्मक अध्ययन यदि हमारी यहाँ मध्य प्रदेश की बहुत प्रिय जनता ने समझ लिया तो कांग्रेस को तो मैं समझता हूँ नकारने के अलावा तो कोई दूसरा ऑप्शन होगा नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऑप्शन दिखेगा।